वेलकम बैक गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड कीपिंग सेफ। कुछ दिन पहले मैंने 5 नाइट 6 डेज का कश्मीर ट्रिप कंप्लीट करके आया, जो कि एक IRCTC का पैकेज ट्रिप था। वेल, आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ सच पैकेज ट्रिप्स, बट दिस टाइम आई जस्ट टैग्ड अलोंग विद माई फैमिली एंड समहाउ द ब्रांड नेम ऑफ IRCTC कन्विंस्ड मी विद इन। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ IRCTC का ये जो 5 नाइट 6 डे का टूर का आइटनरी कैसा था, और साथ ही में मैं देने वाला हूँ खुद का अनकट ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस पैकेज, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप IRCTC के कोई भी कश्मीर पैकेज लेने की सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और मेरा विश्वास है कि आपको एंड तक एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा दरखास्त है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द आइटिनरी फर्स्ट एंड देन आई विल जंप ऑन टू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस होल कश्मीर ट्रिप पैकेज। आवर पैकेज वाज फ्रॉम भुवनेश्वर टू भुवनेश्वर। हम लोग भुवनेश्वर से काफी अर्ली मॉर्निंग निकले थे एंड दोपहर तक श्रीनगर पहुंच गए थे। शुरू में तो हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल में जाके चेक इन करेंगे, लेकिन इट वॉज ऑलरेडी +2 एंड ऑलमोस्ट एवरीवन वर क्वाइट हंगरी, सो वी चेंज द प्लान एंड हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट पहुंच गए डाल लेक एंड वहां पे एक रेस्टोरेंट पे हम लोग अपना लंच कंप्लीट किए। लंच के तुरंत बाद ही हम लोग डाल लेक में शिकारा राइड का प्लान बनाया एंड आई मस्ट से सनसेट के टाइम पे शिकारा राइड इज प्रोबेबली द बेस्ट एक्टिविटी दैट यू कैन डू इन कश्मीर। Finally, after all this, we checked into the hotel in the evening. Day 2 onwards, हम लोग का प्लान काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। श्रीनगर को बेस लोकेशन रखते हुए हम लोग रोज अलग अलग डेस्टिनेशन का डे ट्रिप करने वाले थे। IRCTC के पैकेज में ओनली ट्रांसफर्स इंक्लूडेड था, बाकी डेस्टिनेशन पहुंच के आपको जो भी एक्टिविटी करना है वो आपके खुद के ऊपर। On day 2, we visited Gulmarg. Although we missed the famous gondola ride, as it was completely overbooked by the time we reached. Gulmarg itself was a piece of paradise and we thoroughly enjoyed our time over there. Day 3 ka plan tha Pehelgaon ka. Pehelgaon ka main attraction hota hai Aru Valley, Betab Valley, Chandanwadi and Baisaran. Aap ya to cab leke Aru Valley, Betab Valley and Chandanwadi explore kar sakte ho, nahi to horse rent karke Baisaran ya mini Switzerland bhi ghum ke aa sakte ho. दोनों साइड एक ही दिन में कवर करना इज नॉट ए गुड आइडिया एंड शायद पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। डे 4 में हम लोग निकल पड़े सोनमार्ग के लिए। सोनमार्ग अगेन इज ए फेमस स्नो डेस्टिनेशन इन कश्मीर एंड इज सराउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स। डे 5 वाज आवर लास्ट डे एट द होटल एंड हम लोग का डे 5 का प्लान था श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग। ट्रस्ट मी, श्रीनगर में इतने सारे डेस्टिनेशंस है कि एक दिन में सारा कवर करना इम्पॉसिबल है। वी स्टार्टेड ऑफ विद द शंकराचार्य टेम्पल फॉलोड बाई बोटानिकल गार्डन, ए क्विक ग्लिम्स ऑफ द ट्यूलिप गार्डन, शालीमार गार्डन एंड फाइनली हजरतबल श्रेन। ये सब घूमने के बाद शाम को वी चेक्ड इनटू ए हाउस बोट। द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ आवर हाउस बोट वॉज ए मोमेंट ऑफ वाव फॉर मी and we spent the rest of the evening exploring the houseboat and taking hundreds and hundreds of photos and videos. I must say, houseboat mein stay karne ka experience kafi sahi tha and this surely added some memorable moments to our trip. Day 6 ko lagbhag subah 10 baje ke aaspas hum log houseboat se check out kar liye aur Srinagar airport ki taraf nikal pade. अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि IRCTC कश्मीर पैकेज लेना चाहिए या नहीं। बट बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूशन आई लेट यू नो द गुड फॉलोड बाय द बैड इम्प्रेशंस दैट वी केम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर होल ट्रिप। हियर वी गो गाइस, आई शुड मेंशन आई एम इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ होटल दैट IRCTC प्रोवाइडेड। बहुत ही बढ़िया होटल है, डल लेक से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है ये होटल, लेकिन होटल का ईच एंड एवरी कॉर्नर इज़ वेरी वेल मेंटेन एंड वेल मैनेज्ड। रूम्स बहुत बढ़िया है, वॉशरूम बहुत बढ़िया है, कॉमन एरियाज लाइक पार्किंग स्पेस,
फिर मान लीजिए आपका बैलकोनी, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज वेरी वेल मैनेज्ड एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. बाहर से भी आप देख सकते हो, दिस होटल गिव्स क्वाइट ए गुड वाइब व्हेन यू एंटर इट फॉर द फर्स्ट टाइम. द ओनली पॉइंट इज यहाँ पे जो बफेट ब्रेकफास्ट और बफेट डिनर मिल रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली वेज. वो हम लोग को पता नहीं था एंड आई डोंट थिंक इट वॉज मैंशन एनी वर. सो दैट इज़ दी ओनली कॉन दैट आई वुड लाइक टू मैंशन अबाउट एज इट इज इज सर्विस regarding the hotel, but otherwise this hotel is impressive. Houseboat mein rehne ka experience bhi kafi yaadgar tha. I was really impressed with the houseboat interiors. And finally, yahan hum logo ko non-veg khane ka mauka bhi mila. We got to stay in premium hotels and houseboats for 5 nights. Had buffet breakfast and dinner every day. बस यही नहीं, एयरपोर्ट से होटल ट्रांसफर, फिर शिकारा से हाउसबोट ट्रांसफर एंड 4 दिन का डे ट्रिप का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड था इस पैकेज में. इसके साथ जोड़ लीजिए भुवनेश्वर से श्रीनगर का बोथ साइड फ्लाइट का खर्चा. ये सब मिला के वी हैड टू पे ₹26,600 पर हेड फॉर ए डबल शेयरिंग अरेंजमेंट. और मेरे हिसाब से ये काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज था. Even now the boarding gate at the Bhubaneswar airport, but our very first experience with IRCTC has been quite horrifying to say the least, because when we came to the check-in counter, हम लोगों को पता चला the flight was cancelled almost a couple of weeks back, and these IRCTC people did not have any idea about it, can you imagine? And then and there we had to reschedule the flight, and thankfully we got our seats in another flight. Starting at the same time from Bhubaneswar to Delhi, but the worst part is now we have to sit in a discreet manner in the flight because we did not get seats together, and that's something that do not want when you are traveling with your family. Trip management ka kafi issue tha. Hum logo ke liye koi dedicated bus ka arrangement nahi hua tha. Hum logo ko to finally ye lag raha tha ki IRCTC walon ne per day availability ke basis pe bus book kar rahe the. This not only led to a lot of confusion, but also itinerary का कोई भी ठीक ठिकाना नहीं था. हम लोगों को एक दिन पहले भी पता नहीं होता था नेक्स्ट डे का प्लान क्या होने वाला है. सो हम लोग पहलगाम के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग. So we are told that today we are supposed to go to Pehelgaon, but the bus that has been booked is supposed to go to Gulmarg. Total 6 दिन के अंदर 3 दिन डे ट्रिप के लिए हम लोगों को ट्रैवलर मिला था और बाकी श्रीनगर लोकल साइट सीइंग एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए यहाँ का लोकल बस मिला. वाइल द ट्रैवलर वॉज टू कंजेस्टेड फॉर ए ग्रुप ऑफ 16, the condition of local buses were not really up to the mark. Overall transportation ke arrangement se hum log kafi nakhush the. To say the least, our tour guide seemed quite inexperienced. I was shocked to learn that he had no idea what a web check-in is on the first day of our trip. Upar se unko Kashmir ke bare mein bhi bilkul knowledge nahi tha, and for most part of the trip I had to help him with my limited knowledge from my last experience. Upar se he was too casual about punctuality and on time commencement of trips. It's our day 4, we are going to Sonmarg. The bus is here, everybody is here, but our tour operator Ashish has just arrived. He is yet to finish his breakfast and uske baad hi hum log nikal payenge, so thoda late ho jayega aaj ke trip mein nikalne ke liye, because this is a very long trip and hum log ko aaj hi wapas aana hai. We should be starting quite early, but वो हो नहीं पा रहा है because Ashish थोड़ा लेट से आया है आज. Nevertheless, let's see how soon can we start today. Family लेके जब हम बाहर जाते हैं totally tour guide के ऊपर depend करना पड़ता है. So I personally felt tour guide थोड़ा कोई experience होना चाहिए था. Overall, I have mixed feedback for IRCTC Kashmir trip package. The best way to visit Kashmir is always to plan it yourself. But if you are really unable to do so, this very package is a decent one and can be considered for a family trip. That's all guys from this video. Thank you so much.